नमस्कार ओम शांति कवि और उसकी कृति में मित्रों आपका स्वागत है हर बार हम कुछ ना कुछ लेके आते हैं आप कहेंगे कि कई आज कौन सी कविता होगी आज हम लेके आ रहे हैं नया वर्ष नए नय वर्ष में लोग बहुत उमंग और उत्साह से अपना नया वर्ष का स्वागत करते हैं और घर के लिए कुछ नई वस्तु भी लेके आते हैं मैं जहाँ तक समझती हूँ कि इस कविता में ऐसा कुछ नहीं होगा कुछ अलग ही होगा व्यास जी की हर कविता में कुछ ना कुछ अलग ही लिखा हुआ था और उसका मज़ा भी हमें अब बहुत अलग आता है साथ में साथ हमें परमात्मा की तरफ लेके जाते हैं हमारा रास्ता भी अलग से खुल जाता है आइए बात करते हैं व्यास जी से अपना समय क्यों गवाएं सीधा व्यास जी से बात करते हैं व्यास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आपकी हर कविता में कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है आज कल मैंने जब ये कविता पढ़ी आपकी नया वर्ष तो इसमें कुछ ऐसा ही कुछ अलग से आपने कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई है जिससे मन में बहुत सारे क्वेश्चन मेरे आए और मुझे उम्मीद है कि आप उन क्वेश्चनों का हमारे हल भी करेंगे शुरू करते हैं सच में आपने इतना गहरे से गीत को पढ़ा है क्या? जी जरूर क्योंकि ये गीत कुछ नई अभिव्यक्ति के साथ आएगा जी जी जो सभी लोग नव वर्ष को जिस एटीट्यूड में देखते हैं ना उससे डिफरेंट एंगल में मैंने जी बिल्कुल मैंने तो यही सोचा था कि इसमें कुछ हाँ, अलग होगा लेकिन ये कुछ अलग ही तरह की है सांस्कृतिक है कुछ इसमें आपका कुछ थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ, नजर आ रहा है मुझे ठीक है आइए बात करते हैं अगली कविता से शुरू करते हैं दरवाजा खोलते ही नया वर्ष मिल गया हालात उसके देख के कलेजा दहल गया हाथ जोड़ना भी भूल गया रुदन देख वो तो काफरा रहा धैर्य छोड़कर ये कांपरा रहा लोग तो खुश होते हैं उमंग उत्साह मंगाते हैं और हाथ जोड़कर भूल गया रुदन देखा आपने इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है पहले तो ये समझिए कि ये नया वर्ष खुद मेरे द्वार पे आया जी इसने आके शहर में इतने द्वार है इतने घर है वो वहाँ क्यों नहीं गया अब कवि की कल्पना आप देखेंगे कि कोई मनुष्य कोई मित्र मेरे घर आए ये तो आप तक देखा लेकिन नया वर्ष मेरे घर आया आकर के उसने मेरे घर को खटखटाया, मैंने यही सोचा कोई मित्र नव वर्ष पर आया होगा प्रसन्न होगा, कोई गिफ्ट लेके आया होगा जी, जी, जी। क्योंकि मैं तो आनंदित ही सोया था सो के उठा रात्रि के वो बदल गया तो वो जो वर्ष मेरे यहाँ आया वहां से मेरा गीत शुरू है मैं जरा इस पंक्तियों को आपको मजा आया एक आप देखिएगा मेरे हर गीत की धुन भी आपको डिफरेंट जी अलग अलग जैसी आ, जैसी कविताएं हैं वैसे जी, वैसे जी, आपने जी, म्यूजिक जी, में उस जी, उसको जी, अलग तरह से खींचकर लेके आए हैं अमूमन मेरा गीत किसी या एक ही धुन पर मेरे दो गीत आपको कहीं शायद मिले जी इसलिए मेरे धुनों पर बहुत जनों ने अपने गीत भी लिखे जी वो मुझे खुशी है मैं ये अहंकार नहीं करता की मेरी धुन क्यों या मैंने अमूमन मैं बचा क्योंकि म्यूजिक के किसी भी विद्यार्थी को किसी दूसरे की धुन लेने की जरूरत जरूरत नहीं, नहीं होती जी वो अपनी ही धुन में इतना लीन होता है तो चूंकि जिन्होंने राग नहीं सीखे हैं वो भी अच्छी धुने बना लेते हैं जी आजकल तो गानों का रिमिक्स भी रिमेक्स, बन रहा है कभी कोई कुछ डाल रहे हैं कभी बहुत बहुत, बहुत एक गाने के कम से कम दीज दस बीस म्यूजिक उसमें आएगा कविता जी मैं तो बहुत विनोदी स्वभाव का भी हूँ मैं कविता को बोझिल नहीं करता मैं रिमिक्स का सिस्टम आपको ध्यान है क्या है जी। अरे ये रसोई घर से उठाया इन्होंने कैसे पूछो कैसे सुबह जो आपने चावल बनाए जी। खा लिया आपने मजा आ गया आपको दाल के साथ भात खा लिया लेकिन कुछ ज्यादा बन गया तो जो बचे हुए सुबह के चावल है ना शाम को उसका पुलाव बनाते हैं तो उसमें बड़ी चीजें डालनी पड़ती जब हम किसी बासी चीज को ताजा बनाना चाहते हैं तो दूसरे साइड आइटम बहुत डाल तेजपाल के पत्ते डालते हैं जीरा डालते हैं तीखी मिर्च डालते हैं रेसिपी उसकी एकदम और वो सुबह के चावल से भी बढ़िया लगने लगता लोगों को ये रिमिक्सिंग का खेल कुछ ऐसे ही जो पवित्र धुने थी जो पवित्र कंपोजिशन थे उनको किसी दूसरे ऑर्केस्ट्रा के साथ रिमिक्स करके और गाना लोग लाइक कर रहे हैं पसंद जी, कर जी, रहे हैं हम जी. किसी भी चीज़ को ऐसा है कविता जी मूल बात यह है जी कि छाता बनाने वाली कंपनियां बारिश बंद नहीं कर सकती ये ध्यान रखना <laughs> जी लेकिन वो छाता छाते से बारिश वो ये तो ये कहती है कि बारिश तो हम नहीं रोक सकते लेकिन इस बारिश में अगर आप हमारा छाता लेंगे तो कम से कम आप तो नहीं भीगेंगे जी, जी, भीगने से बच जाएंगे जी लीजिए तो मेरा गीत शुरू है जी दरवाजा दरवाजा खोलते ही नया वर्ष मिल गया मैं बहुत चक्कर चकरा गया कि मेरे द्वार पर कौन आया मैंने गौर से पहचाना अरे नया वर्ष आया शहर में इतने बड़े बड़े उद्योगपति इतने डॉक्टर्स इतने प्रोफेसर इतने इंजीनियर होंगे मेरे यहीं क्यों आया गीत में आगे इसका आंसर मिलेगा दरवाजा खोलते ही नया वर्ष मिल गया हालात उसके देख कले गया मैं तो डर गया उसकी दशा क्या थी हाथ जोड़ना भी भूल गया मैं रुदन देख कर वो रो रहा था मेरे द्वार पे आके नया वर्ष रो रहा है कविता जी सोए हुए लोगों को जगाने का गीत है hmm. केवल रात को बारह बजे 2018 को अपनी पार्टियों में शराब पी लेना और डांस कर लेना ये नव वर्ष का आगमन नहीं होता आतीशबाजिया जीवन बहुत मुश्किल से बनता है जी, जी, और हम कहा जा रहे हैं इसका एक इशारा मैंने इस गीत में किया जन जागृति का और आत्मविश्लेषण का गीत भी है हाथ जोड़ना भी भूल गया मैं रुदन देख कर वो तो रहा हाँप रहा धीरे छोड़कर उसने है? अपना धीरज छोड़ दिया वो हाँप रहा था क्योंकि वो तेजी से चल के आया और वो कांप रहा था कि कोई मुझे देख नहीं ले कि मैं नया वर्ष मेरी नए वर्ष में मे, की स्थिति ये कैसी हो गई कोई उसको ऑब्जर्व क्यों कि पूरी दुनिया तो दूसरे रूप में नए वर्ष का अभिनंदन करती है कविता जी मूड में मत आइएगा मैं विनोदी स्वभाव का होते हुए भी जहा कहीं समाज की विकृति आती है जहाँ व्यक्ति का किसी किसी दुर्बलता से पूरी मानवता का रास होता हो वहां मैं अपनी कलम को बेलाग चलाने में संकोच नहीं विनाश की तरफ तो नहीं किया है मैंने लेकिन हमारी गतिविधियां हमारे उद्देश्य हमारे संस्कार हमारे क्रियाकलाप कोई बहुत अच्छे नहीं है जिन ऋषि मुनियों ने और जिन्होंने राष्ट्र निर्माताओं ने इस देश को अच्छा बनाने के संस्कार दिए वो नहीं बन पाए इसलिए मेरी ये इच्छा है कि हम इस गीत के जरिए कुछ ऐसी बातें दूसरा बंद लीजिएगा सलीके से क्या मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम हाँ। अब आप आपको पहले उव, हाँ, हाँ, मैं, मैं पहले तो मुझे ध्यान ही नहीं आया अब मुझे लगा कि मेरे घर पे नया वर्ष आया है अब मुझे होश आया मैं तो हक्का बक्का रह गया कविता जी वर्ष मेरी इस दशा में कैसे आए हम तो कल्पना करते हैं कि बहुत खूबसूरत वर्ष आए होंगे सली कैसे किया मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम अब हमारा दोनों का इंटरेक्शन देखो कविता में क्लोजअप आ रहा है सली मैं बहुत अदब से उसको प्रणाम किया एक तो मूर्छा में प्रणाम करते एक मैंने बड़े अदब से सली कैसे किया मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम अगली बदले, क्या? में गिर बदले में गिड़ गिड़ा में गिर गिड़ाया कलम गिर तुमसे काम मैंने जब हाथ जोड़ा ना तो वो गिड़ गिड़ा रहा मेरे सामने इसका मतलब ये तो पहचान गई कि कवि की हाइट इस वर्ष से मुच्छी है हम किसके सामने गिड़ गिड़ाते जो अपने से ऊंचा होगा जी देखो उसकी वैल्यू देखो नए वर्ष की मैं तो ये मान्यता दे रहा हूँ कि मेरे से भी ऊंचा और विश्व से ऊंचा नया वर्ष है अब हम दोनों का एक इंटरेक्शन देखो वो वो मुझे मान समझ रहा है और मैं उसे मान समझ रहा हूँ सली कैसे किया मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम बदले में गिड़ गिड़ाया कलम गिर तुमसे काम हे कवि मुझे तुमसे काम है इसीलिए तो मैं द्वार पे आया हूँ आगे क्या कहता? आप हो सके तो मेरे लिए जग को बता दो जरा मेरा भाई कल की रात खुद खुशी से मरा ये आपने कुछ मतलब आपके ऊपर गुस्सा भी अगर हम करें मतलब नए वर्ष में इस तरह की करो, करो। कोई कविता को

अजीब अजीब घटना कविता जी अभी आया ये तो स्वतंत्र ये पांच वर्ष तो बहुत सुकून के हैं ये गीत पच्चीस तीस वर्ष पहले लिखा मैंने जी, 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 ये जी। उन वर्षों की याद दिलाता है भारत ने ऐसे ऐसे आघात सुनाए तो मुझे हर वर्ष नया गीत लिखने की जरूरत नहीं है जी, मैं जी। केवल गीत के वर्ष के वर्ष के अंक बदलता हूँ पैतीस वर्षों से पच्चीस वर्षों से गीत चल रहा है केवल इसके वर्ष बदलने जी 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 ये उन्नीस सौ का गीत है फिर पिचानवे को मारा तो छियानवे को नया वर्ष का छियानवे को सुसाइड करे तो सत्यानवे को नया वर्ष का 2000 को सुसाइड कर तो 2001 को नया वर्ष का ये चलता रहता है तो आपने इसमें लिखा हो सके मेरे दिल मेरे लिए जग को बता दो जरा। हाँ, अब मैं कलम गारू मैं मैं गीतकार तो वो नए वर्ष मुझे कह रहा है कि आप मेरे पर कृपा करो कि मेरे बारे में कुछ बताओ इन लोगों को ये न मेरे भाई को समझ पाए न मुझे समझ पाएंगे ये न पिछले वर्षों में ढंग से जिए न ये आगे वाले वर्षों में ढंग से जिएंगे ये अपनी आत्मकथा हर वर्ष आने वाला वर्ष कह रहा है इसलिए अभी इस गीत को मैं गाता हूँ आपको बात समझ में आएगी जी हो सके तो मेरे लिए जग को बता दो जरा मेरा भाई कल की रात खुदकशी से मरा कोई भी आदमी खुश खुदकशी खुद की वजह से नहीं करता दूसरे उसको इतनी पीड़ा पहुंचा देते हैं इतना टॉर्चर पहुंचा देते हैं कि वो बेचारा मरने को तैयार होता है तो ये वर्ष कह रहा है कि ये जो तुम्हारे समाज के लोग हैं इन्होंने मेरे भाई को मारा और अगर इन्होंने इनके भाई को मारा है हो सकता है अगले साल मुझे भी मारे तो जब ये मैसेज उसने मुझे दिया तो मैं गीत के जरिए समाज तक और व्यक्ति तक आगे की बात गीत के माध्यम से यानी कि कहा जाए कि जो देश में दुर्दशाएं हो रही हैं आ, आ गए आप बिंदुओं पे आ गए <laughs> जी जी बिंदुओं पे आ गए न हम संविधान को मान रहे हैं न हम कानून को मान रहे हैं न हम भारतीय संस्कृति के मूल्यों को मान रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा आज जॉइंट फैमिली की वैल्यूज कहाँ गई कविता जी कहाँ चली गई जो माता पिता अपने बेटे को अपने पेट काट के और अपने रुपए पैसे से उसको एक बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर लेक्चरर बनाता है और वो अपने लव मैरिज करके और न जाने कहा चला जाता है और माता पिता को कोई ध्यान ही नहीं रहता है कि उनको कुछ करना कि कर नहीं करना तो ये सारे हालात इसमें आएंगे तीसरा लीजिएगा जी, जी जरूर वो भी अच्छा था मैं अच्छा हूँ इसमें शक नहीं हाँ। मतलब वर्ष कभी खराब नहीं होते पिछले कुछ दो पंक्तियों में कुछ दो आएगा आप कहेंगे कि पहले भी आजी आपने एक चीज कही आपने आगे फिर बदल दिया हाँ। तो तो कविता जी मेरी कविता एक नदी है <laughs> मतलब पानी तो बदलता रहता है चे, पर चे, नदी चे, नहीं बदलती। जी, जी, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही परिवर्तनशील है अब आप देखो क्या कहता मैं भी अच्छा था वो भी अच्छा था मैं भी अच्छा हूँ इसमें शक नहीं वो अपनी पैरवी खुद कर रहा कौन वर्ष मेरा भाई भी अच्छा था पर मर गया अब आप बताओ अच्छा आदमी क्यों मर जाता है दूसरों की वजह से मर जाता है। उसमें कमियां नहीं थी उन वर्षों में इन लोगों लोगों ने ने अच्छे वर्ष में भी गलत काम किए वर्ष हमेशा अच्छा होता कोई टाइम खराब नहीं होता हमारे भक्ति काल के कवियों ने पलटू हुए उन्होंने कहा लगन मोहरत सब झूठ सारे झूठ है भगवान ने ऐसा पल बनाया ही नहीं है जो निषेध के युक्त हो चलिए पढ़िए पंक्तियां पर ये लोग दरिंदे हैं बात बिल्कुल सही किसको कह रहा है वो लोगों को वो सीधा लोगों से नहीं जुड़ सकता इसलिए मेरे पास आया मैं उसकी बात मैसेज तो तक पहुंचाऊंगा कि नहीं पहुंचाऊंगा ये मैं बीच में कहीं नहीं हूँ मुझे नए वर्ष ने कहा मैं भी अच्छा था वो भी अच्छा है रे इसमें शक नहीं पर ये लोग दरिंदे हैं बात बिल्कुल सही गंदी कर तू ते करते हैं करते, करते रहेंगे रहे हम तो पहले, पहले भी बदनाम है बदनाम क्या बात है बहुत अच्छा हाँ। तो यहाँ पे बदनाम आपने किस वजह से कविताओं की वजह से नहीं बदनाम आप... जो जो त्रासदी होती है आप कहते हो कि नहीं कहते हो भोपाल गैस त्रासदी हुई वो वर्ष बहुत खराब था बद्रीनाथ की घटना हुई जल प्लावन वो वर्ष बहुत खराब था वो कह रहा है इसमें मेरा क्या दोष है तुम प्रकृति का दोहन इस तरह से करोगे प्रकृति का दोहन इस तरह से करोगे तुम पर्यावरण को इस तरह से दूषित करोगे तो ज्ञान में बाबा भी कह रहे प्राकृतिक आपदाएं आएगी दुर्घटनाएं आए भी होगी हमने पेड़ों को खत्म किया वर्षा कहाँ से लाओगे तब वर्षा जब नहीं होगी तो बादल फटेंगे और जनमानस जाए हम हमारी ही करतूतों से जिसने भी प्रकृति को डिस्टर्ब किया है वो मनुष्य दुख पाया है इसीलिए हम वृक्षारोपण पर पौधारोपण पर नई सरकार ने कुछ नया आया गीत की व्याख्या में जाएंगे ये बहुत व्यापक अर्थों में हो सकता है इस गीत को मनोरंजन में मैं नहीं लाया कोई समझेगा भी नहीं कविता जी कभी जी, कभी कवि तो कठिन शब्द भी हैं हैं बातें भी, बाते भी है। इसीलिए मैं छिपा रहा जी 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 मैं नहीं चाहता कि मेरे गीतों के जरिए मैं कोई बाहर लेकिन अब समय आया है तो लोगों की चेतना को मुझे बदलना पड़ेगा एक बीज पूरी पृथ्वी को हरियाली से भर सकता है मेरा एक गीत विश्व की संपूर्ण चेतना को आप्लावित कर सकता है ये मेरा अहंकार नहीं अब समय आया है कि मुझे अपनी अभिव्यक्ति में मुझे प्रत्यक्ष होना तो यहाँ पर आप किस तरह से समाज को बदलने की कोशिश मैं यही ये, ये विधा अलग है ये जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है मेरा या और भी कोई धार्मिक संस्थाएं हैं। जितने सदगुरु सत्कर्म शुरू हो गए कविता जी आप भरोसा रखिएगा संपूर्ण विश्व में एक भाषा एक, एक राज्य एक संस्कृति आएगी विश्व संस्कृति आ रही है और भारत ही इसका उद्गम है रहेगा और नेतृत्व तो करेगा हमारी बातें सच है पुरुखों ने सच का है। हुँ, तीसरा हुँ, जी, हम जाते हैं तो घटनाएं छापते हैं ये हाँ लोग पत्रकार जो अखबार निकालते मीडिया वो वर्ष कह रहा हम जाते हैं तो घटनाएं छापते आपने देखा हुआ अखबार नए वर्ष के अखबार में पिछले साल ये ये हुआ जी, जी जी नए वर्ष की ये ये योजना है देखिए कभी अखबार उठा जी, जी, जी। के तारीखों के साथ अच्छी है वो भी आती ये कि उस वर्ष में सारे गलत काम हुए नहीं अच्छी भी हुए। नहीं। म्यूजिक के क्षेत्र में साइंस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी में खेलों में तो वो क्या कहता हम जाते हैं तो घटनाए छापते हैं ये और आते हैं तो कल्पनाए आकते हैं ये बताते हैं ना नए वर्ष की

हमारे बड़े बड़े चिकित्सा केंद्रों में डेड बॉडी को वेंटिलेटर पे आठ आठ दिन रख देते हैं डॉक्टर्स और गरीब आदमी तो क्या जाएगा पैसे वाले और अप्रोच वाले भी उस बॉडी को रिलीज नहीं जी, करा ये बात आपने बिल्कुल सही कहा जाके रुकेंगे जी, कविता जी, 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 जी दर्द मेरा नहीं पूरे समाज का है की हम आदमी की तरह कानून में आप देख लो मर जाता आदमी उसको फैसला नहीं मिलता शिक्षा के क्षेत्र में देख लो वेल क्वालिफाइड बच्चे को नौकरी इसके लिए क्या करना चाहिए कुछ भी नहीं करना चाहिए वो यही कह रहा है कि कहीं सन मार्ग पे आ जाओ केवल सरकारों के भरोसे मत रहो लेकिन बेकार सरकारों के भरोसे भी मत रहो अच्छी सरकार लाओ एक अच्छे मार्ग जी। पे आओ और आशा बनी है लोगों की इन गीतों ने बड़ी जागृति की है समय मेरे गीतों का मूल्यांकन करेगा कविता जी कि व्यास नाम का एक छोटा सा प्राणी गांव में रहता है राजस्थान और भिलवाड़ और एक छोटे से कस्बे में हमीरगढ़ में रहता है जहाँ राष्ट्रीय कवि पैदा हुए बिल्कुल सही बोला आपने अर्थ से अनर्थ की जड़े मजबूत कर रहे खून चूस के गरीब का घर गर अपना भर रहे डाल के डकेतियों से खुले आम फिर रहे सिर फिरे की गोलियों को बेगुना क्या लगा नहीं आपको कि मैंने ये कितने बरस पहले मैंने कश्मीर की इन आतंकवादियों के और नक्सलियों के इस वातावरण को मैंने गीत में कितने समय पहले कवि त्रिकालदर्शी होता तो ये आपने सैनिकों की तरफ लिखा सभी तरफ, तरफ। इसमें सब आता देखो गीत को सुनिएगा अर्थ से अनर्थ की जड़े मजबूत कर रहे अर्थ कहते पैसे को अनर्थ कहते नुकसान को हमारी जिंदगी में केवल उद्देश्य पैसा कमाना ही रह गया कैसे भी पैसा कमाओ आप कोई बहुत अच्छे बच्चे के कोई कपड़े लेने जाओगे वो पांच आठ साल पहले का स्टॉक है वो आपको दे देगा जी वो डिब्बा तो नया रख लेगा कि ये इसी साल का प्रोडक्ट है आपको बता देगा लेकिन जो उसकी दुकान का खराब माल है वो आपको टिका देगा और जब कहने जाओगे तो ये तो नहीं हमने तो नया दिया ये तो हमारे यहाँ का है भी नहीं मैं उदाहरण के जरिए कुछ चीज समझा रहा हूँ बता रहा हूँ अर्थ से अनर्थ की जड़े मजबूत कर रहे खून चूस के गरीब का घर अपना भर रहे डाल के डकैती आ खुले आम फिर रहे सिर फिरों की गोलियों से बेगुना मर रहे हम निर्दोष को कभी भी मार देते हैं तो सारे कविता के अर्थ मत लीजिए कविता जी कहीं कहीं सुन के आप अब उसका रस ले लीजिएगा नहीं तो ये कहीं कहीं कही सारी व्याख्या भी हमारे के प्राण को हार ले जी इसलिए वो इसीलिए तो मैंने आपको इस आ, अपने इस प्रोग्राम में आपको बुलाया कि आपकी जब मैंने कुछ आ, महीनों पहले जब आपकी एक कविताएं मैंने पढ़ी थी जी जी. कि किस तरह से एक, क्या है मेरे को कविताएं और शेर और मुख्तक और बहुत, अच्छा, बहुत पसंद है अच्छा, बचपन से ही अच्छा, मेरे को जब ये चीजें पढ़ती हूँ तो उसके अर्थ समझने की कोशिश करते अच्छा, जगह तो कविता किसी की भी कविता हो वो अपना मैसेज सही देते थे जी जी नहीं समझ में आए वहाँ टॉक शो करना तो हम हर बंद पर भी चर्चा नहीं करेंगे लगेगा मुझे कि यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ वहां मैं अभिव्यक्ति दूंगा बाकी गीत को गाने का मजा लेकिन व्यास जी जो आप तो मेरी व्याख्या ऐसे कराती जैसे किसी पेशेंट की ड्रिप चढ़ाई गई दो बूंद डाली फिर स्टॉप लिया जी। फिर बटन को घुमाया फिर पेशेंट मर जाए लेकिन व्यास जी हमें समझ में नहीं आएगा ना कोई बात नहीं हमें कुछ ऐसी जब तक आप बैठे हैं आपकी किताबें बैठी हैं हमें इन इसका टेस्ट लेना है बहुत अच्छा चलो मैं आपके साथ अपनी देता हूँ ये वैसे मेरा पहला अभ्यास है क्योंकि मंचों पे तो हम खुले मन से गाते हैं जी वही संस्कृति, संस्कृति के नाम पर संस्कृति के नाम पर बचा बस, बस मात्र, मात्र प्रदर्शन अब आप देखो संस्कृति के मूल्यों को हम जीते नहीं है जी बड़ों का आदर करना चाहिए बारात आती लिख रखा है वहाँ हम आपका हृदय से स्वागत करते और भीतर से कहते हैं कि बराती कब जाए क्योंकि उनमें भी बरातियों में भी वह ढंग से रहने के कोई बहुत अच्छे लक्षण नहीं है जी, उन हमारे बरातियों के दूध के कड़ा उस बिटिया के पिता ने बहुत काजू दाग उनको शराब चाहिए जब मैं बाते? ऐसी बातें करता ना तो जी। मुझे बहुत जने कहते हैं जी आपको क्या लेना देना फिर किससे किसको क्या लेना और आप कह रहे हैं कि हम इसकी व्याख्या नहीं करेंगे जब तक आप व्याख्या नहीं करेंगे हमें समझ में कैसे आएगा अच्छी बात कही संस्कृति के नाम पर बचाव बच्चा बस बस आपको महसूस होता है कि संस्कृति के नाम जी पे जी। हमने केवल आडंबर ले लिया जी जी जी, बिल्कुल। संस्कृति तो जी जानी चाहिए सादगी है जैसे। नहीं, नहीं। आज हर चीज में हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं जो चीज बहुत सामान्य तौर पे मिल सकती है आज एक मध्यम वर्गीय प्राणी आदमी एक बफर प्लेट डिनर तीन सौ रुपए की वो एक प्लेट जिसमें अन्न का दुरुपयोग भारतीय संस्कृति तो अतिथि बिठा करके भोजन कराया जाए मनोहार करके भोजन कराया जी, जाए गए जी, जी, जी? इसलिए दुख होता है ढूंढने पे भी नहीं होते यहाँ न्याय के दर्शन देखिए जुडिशरी अपना कोई काम नहीं कर रही हजारों मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं ढूंढ के भी होते नहीं यहाँ न्याय के दर्शन बहुत मुश्किल से किसी को जस्टिस मिलता है ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने पहले भी कहा मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ मैंने तीस साल पहले इसलिए किया था कि मैं इस विधि से उस विधि परमात्मा को जानूं तीसरी पंक्ति है इसमें एक, एक संविधान के, के तहत भी एकता एक ये बात हमने लिखी और कश्मीर का तीन सौ सत्तर और पैतीस लागू हुआ देखो ना व्यास हम मोदी जी से नहीं मिले

लेकिन जब समाज में कहीं कमजोर इसीलिए मुझे जब मोदी जी बोलते ना तो उनका तेवर जी समझता हूँ समझ <laughs> समझ <था। laughs> आज कल हर एक बच्चा बच्चा अपने को मोदी कह रहा हूँ मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ सबका तो है एक संविधान के तहत भी एकता नहीं इतना क्या है इतना चल के भी लगते हो वही के वही लगता है आपको साइंस और टेक कोई विकास ही नहीं हुआ हमारा गाँव में न कृषि के क्षेत्र में न आवासीय व्यवस्था में न अब शुरू हुई है सरकारें काम कर रही साठ साल तक सरकारें सोई रही और लीजिए दो बंद हो रहे राष्ट्र भाषणों में छलकता रहा उग्रवाद का ये धूमकेतु चमकता रहा मंदिरों मस्जिदों में एकता का नहीं, नहीं यो, योग तिरंगे को अपनाकारने लगे हैं यहाँ के लोग कविता जी अब इन दो बंदों पर कोई चर्चा नहीं हो तब भी मजा आए दो बंद सुन लीजिएगा आपको मेरे सारे विचारों का एसेंस मिल जाएगा देखिए पंक्ति है राष्ट्र प्रेम केवल भाषणों में झलक रहा है केवल हमने राष्ट्रभक्ति भाषण दिन फिर कोई लेना फिर राष्ट्र से कहाँ नीच निचोड़ने नी का काम है नेता करते हैं राष्ट्र प्रेम केवल भाषणों में झलक रहा है उग्रवाद का ये धूम के तु चमक रहा है मंदिरों मस्जिदों में एकता का नहीं योग तिरंगे को भी नकारने लगे यहाँ के लोग अब तो नहीं नकार सकते हैं जी जरूर अब तो तिरंगे की कदर कश्मीर से शुरू हो गई और कविता का विश्राम दूंगा यार, यार माफ करना मुझको अपना समझ कर। अब जा रहा हूं मेरे दरवाजे से मैं भी जा रहा हूँ इस टॉक शो से मुझे वो लास्ट में क्या कह रहा है यार माफ करना प्यारे मुझे अपना समझ कर मेरी बात कहना देखो थोड़ा होगा असर वही होगा जी जरूर तो मुझे आग... भी उम्मीद है कि मेरी बात कहना देखो थोड़ा होगा सर वरना मैं तो बना पर ये तो मिटेंगे वर्ष तो बने रहेंगे सदिया बनी रहेगी हम चले जाएंगे वरना मैं तो बना रहूंगा पर ये तो मिटेंगे ये विज्ञान के हिमायती आपस तो में मिटेंगे विज्ञान के भरोसे अगर तरक्की करोगे और बहुत जब बहुत तक इसमें अध्यात्म का पुट नहीं दोगे आप जानते हैं नए नए विश्व का सृजन किससे होगा साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी इससे नव विश्व का निर्माण हो रहा है और स्पार्क जो हमारा ब्रह्मा कुमारी है वो इसी शोध का एक इनोवेशन है स्पार्क के जरिए हम विज्ञान और अध्यात्म का आ, मिलन करके ही जी हम तरह न केवल अध्यात्म से काम होगा न केवल विज्ञान से होगा इसलिए इसने कहा कि कविराज मैं तेरे द्वार पे आया हूं थोड़ा मेरा मैसेज पहुंचा देना मैं सोचता हूं बहुत क्लिष्ट गी तो मेरा होगा मेरा तेवर भी आपने देखा होगा एक पीड़ा भी हो सकता है मुझमें कहीं अहंकार का थोड़ा सा झलक भी आ जाए कविता जी मैं भी एक भारतीय प्राणी जी मैं एक परिवार का सदस्य मैं समाज की पीड़ा को और मैंने अभी कहा कि मिलकर के बोझ उठाने की और कदम से कदम मिलाने की चीज है जी। मैं सोचता हूँ इस पर दो टिप्पणी आपकी भी हो जाए गीत कैसा बन पाया जी बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इस कविता को पढ़ा था नया वर्ष मैंने सोचा कुछ जब हम नया वर्ष आता है तो उसका स्वागत होता है लेकिन आपने तो इसकी बिल्कुल से हट के। बिल्कुल, बिल्कुल अलग, अलग फ्लेवर है जी जी बहुत जी, अलग जी, फ्लेवर जी, है। जी ये एक्चुअली मनोभंजन का गीत है मनोरंजन का नहीं जी, 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 मन इसमें आपने राष्ट्र के हर एक व्यक्ति की बातें कही हैं युवकों के बारे में कहा है संस्कृति के बारे में कहा राष्ट्र तिरंगे के बारे में आपने कहा सबसे बड़ी बात है विज्ञान और स्पिरिचुअल साइंस एंड स्पिरिचुअल के बारे में बात आपने कहा सबसे बड़ी बात है की सिर फिर को, गोलियों को बेगुना मारा गया मार रहे हाँ, हैं हाँ, मतलब हम हैं जी जी नहीं रस व्यापक कैनवास पे मैं सोचता हूँ बहुत बड़े कैनवास पर बहुत बड़ी पृष्ठभूमि पर यह गीत अवतरित हुआ है परीता सुनेंगे तो बाद में शायद इसको बार बार सुनेंगे जी 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 आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस नए वर्ष में आने के लिए व्यास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों नया वर्ष मैंने जब पढ़ा तो अलग ही था सुना उससे भी ज्यादा अलग मुझे पूरी आशा है कि आपको भी ये नया वर्ष इस कविता में सुनकर कुछ अलग ही लगा होगा इसमें हमारे दिल को छू लेने वाली बातें हैं हम सोचते कुछ और हैं करते कुछ और हैं देखते कुछ और हैं समझते कुछ और हैं इसलिए वही जो सोचेंगे वही करना है जो देखना है उसको देखने के बाद भी अनदेखा कर दे तो वो कोई काम पे नहीं आता है इसलिए वही देखना है वही सोचना है और वही करना है हम राष्ट्रवाद के रहने वाले हैं भारत के रहने वाले हैं सबसे बड़ी बात एक इस कविता में मुझे ये आई कि हमें तिरंगे का सम्मान करना है संस्कृति का सम्मान करना है और इन दोनों को साथ लेने वाली जो चीज़ है साइंस और स्पिरिचुअल ये दोनों हमारे जीवन में होगी तभी हमारा जीवन सफलता की ओर चलेगा देते हैं विराम इस कविता को अगली कविता में लेके आती हैं तब तक के लिए नमस्कार ओम शांति